अल्लाम हेलो फ्लटर डेवलपर्स। सो यार आज जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि हम पॉलेमोरफिज को आ, समझेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे आ, डार्ट लैंग्वेज के साथ जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हमने इनहेरिटेंस को समझा था इनहेरिटेंस के बारे में सीखा था और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा था डार्ट लैंग्वेज के अंदर उसी तरीके से आज हम पॉलिमोफिज़म के ऊपर बात करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो चलें शुरू करते हैं सो so, मैंने यहाँ पे डार्ट पैट ओपन कर लिया है और मैं आपको दोबारा से जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ एक और जैसे हम ट्रैफिक में होते हैं जैसे हम रोड के ऊपर हैं सिग्नल है और ट्रैफिक है बहुत सारा ठीक है अब जैसे जो है सिग्नल वो ग्रीन हुआ ठीक है अब जो रोड है वो एक राइट की तरफ जा रहा है एक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और एक स्ट्रेट जा रहा है ठीक है अब सिग्नल जब ग्रीन हुआ ना तो कुछ लोग राइट की तरफ जाएंगे कुछ लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे और कुछ लोग सीधी तरफ जाएंगे मतलब आप इसका ये समझें कि फंक्शन एक ही है सबके लिए ठीक है जो सिग्नल है वो समझ लें फंक्शन है ठीक है वो जब ग्रीन हुआ ठीक है उसके बाद जो इतने सारे जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं मतलब सबके लिए फंक्शन है कि यह मतलब ग्रीन जब हुआ तो सबके लिए ये हुआ कि जाओ सबके लिए एक तरीके से गो हो गया या कि हर किसी को अब जाना है लेकिन अब सब अपने अपने तरीके से जा रहे हैं तो ये होता है समझ लें आप पॉलीमॉर्फिज्म कि फंक्शन एक ही होता है पर सब अपने अपने हिसाब से समझ लें अपनी अपनी प्रॉपर्टीज और अपने अपने हिसाब के उससे फिर उस चीज़ के ऊपर चल रहे होते हैं तो ये होता है समझ लें पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दिए अब मैं आपको जरा कोर्ट के अंदर भी आपको जरा समझा देता हूँ सो so, अब मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा कोड लिखा है और हम जो पॉलीमॉर्फिज्म को भी समझेंगे जिस तरह से हमने इनहेरिटेंस समझा था उसी से रिलेटेड हम पॉलीमॉर्फिज्म को भी समझने वाले हैं ठीक है अभी अगर आपने मेरी वो पुरानी इनहेरिटेंस वाली वीडियो देखी हुई वी है तो आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने अभी लिखा हुआ है इसमें मैंने मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है नॉर्मल सी चीज़ें ये नॉर्मल मैंने दो क्लासेस बनाई हुई है कार की एक बाइक की उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है सिग्नल के नाम से ठीक है और ये मैंने एक्सटेंड किया हुआ है बाइक वाली क्लास को कार से आप समझ गए होंगे अगर आपने इनहेरिटेंस वाली वीडियो मेरी देखी कि एक्सटेंड क्यों किया हुआ है और ये क्या है सब कुछ ठीक है और आप ये भी समझ ही गए होंगे कि बाइक क्लास है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर जो एक फंक्शन है सिग्नल के नाम से उसको यहाँ पर मैंने कॉल किया हुआ है डेड सेट अब हम आते हैं पॉलेमोर के ऊपर सो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंट ठीक है तो आप ये देखें आप पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ये है कि फंक्शन का आप देखें दोनों में फंक्शन का नाम सेम है पर यही फंक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है जैसे मैं यहाँ पर रन करूँ तो आप ये देखेंगे जो ये फंक्शन है नाम सेम है बट यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है बाइक गोश्त टू लेफ्ट और कार वाले उसमें ये आउटपुट दे रहा है कार गोश्त टू राइट मैंने जिस तरह से आपको डेफिनेशन uh, भी बताया था और जिस तरह से मैंने अभी भी आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दी कि फंक्शन एक होता है पर वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग उससे अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वर्क करता है ठीक है अब दूसरा मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ अब जैसे आपको uh, इस वाली क्लास में ये ऊपर वाला भी प्रिंट करवाना है ऊपर वाला जो फंक्शन है वो भी आपको प्रिंट करवाना है तो आपको नॉर्मली लिख, लिखना है सुपर डॉट सिग्नल रेड इट अब जब आप रन करेंगे कोर्ट को सो आपके पास सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा एंड धैन उसके बाद आपके पास ये वाला कॉल होगा आप इसको अगर जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसको नॉर्मली यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं और उसके बाद आप स्टेटमेंट को रन करेंगे तो पहले आपका बाइक टू लेफ्ट वाला रन होगा फिर उसके बाद आपका कार टू राइट वाला रन होगा एक छोटी सी चीज चीज तो मैंने आपको बता दी और दूसरी बात ये कि आई होप कि आपको पोलियोम्फिज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जो फंक्शन होता है वो एक ही होता है पर वो अलग अलग जगहों पर अपने अपने बिहेवियर के हिसाब से काम वर्क कर रहा होता है जैसे देखिए नाम दोनों के सेम है पर यही जो नाम जेम है लेकिन यही चीज़ कार के उसमें है तो ये ये इसको प्रिंट कर रही है और यही चीज़ यही जो नाम है यही फंक्शन अगर बाइक के क्लास में है तो वो इस चीज़ को प्रिंट कर रहा है तो आई होप कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा तो बस आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपका जो एक कॉन्सेप्ट होगा पॉलीमॉर्फिज्म के रिलेटेड भी वो भी क्लियर हो चुका होगा क्योंकि मैंने आपके यहाँ जो पहली वीडियोस हैं पिछली वाली उसमें मैंने आपको डेफिनेशन के साथ भी इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म समझा दिया है इन दोनों के डिफरेंसेस भी समझा दिए हैं और इन दोनों को डार्ट की लैंग्वेज के अंदर रख के भी मैंने आपको समझा दिया है और इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दो तीन दे दिए हैं जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो ये कॉन्सेप्ट हैं इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के वो एकदम क्लियर हो चुके होंगे सो so, जो हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम सीखेंगे इनकेप्सुलेशन uh, और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में उसको भी हम इसी तरह से डार्ट लैंग्वेज के अंदर रखेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हमारी जो ये ओ ओ पी की प्ले लिस्ट है ये फिनिश हो जाएगी सो so, पॉइज़ अगर आपको मेरी ये अगली आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन चाहिए तो यार काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और जो है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रा लाइक भी कर देना और इसको ज़रा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि वो भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें सो चलें बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़